अस्सलाम वालेकुम, दी मेमन टीवी के साथ मैं हूं अली गोडिल। इस वक्त मैं मौजूद हूं जैतपुर मेमन एसोसिएशन के हेड ऑफिस में, अहमद मुनाफ लोधी के वाले ऑडिटोरियम में, जहां पे आज एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश असलूबी के साथ आज वो इख्तिताम पर गई। तमाम वॉलंटियर्स ने, तमाम जमात के मेंबर्स ने शिरकत की और अहमद भाई, आसिफ भाई की पूरी टीम की खिदमत को सराहा और अल्हम्दुलिल्लाह अनअपोज पूरी टीम दोबारा आ चुकी है और अब जैतपुर बरादरी का तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पहले तो अहमद भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा। अब नए विजन के साथ इतने चैलेंजेस इन हालात के अंदर, तो आगे क्या करने जा रही है जैतपुर जमात अपने वाइट कॉलर फैमिलीज़ के लिए? देखें, इस दफ़ा हमने काफ़ी नई चीज़ें सोची हैं और अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने स्पीच में भी बोला, तो बेसिक जो मसला इस दफ़ा चल रहा है वो रोज़गार का चल रहा है। इस वक्त जो वाइट कॉलर इसके इशू हैं, तो इस सिलसिले में हम लोग लोन्स और दूसरी जो चीज़ें लेके आ रहे हैं, जैसे कार्ड वगैरह जो आसिफ भाई ने ऐलान किया, तो एक तो हम वो चीज़ लेकर आ रहे हैं इस दफ़ा वाइट कॉलर्स के लिए। दूसरा, इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक के सिलसिले में भी सोचा है कि सोलर पैनल्स को इंट्रोड्यूस करें, जो कि इस वक्त इलेक्ट्रिक के बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा वाइट कॉलर के अंदर हम और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो बच्चों के लिए खास तौर पर कर रहे हैं, कि IT के हम नए कोर्सेज लेके आ रहे हैं इस दफ़ा, वो हमने प्लान अप किया है। और हमने मैनेजिंग कमेटी में भी 4 से 5 लोगों का इजाफा इसीलिए किया है कि हम बोर्ड बढ़ाना चाहते हैं और ये बोर्ड जिस तरह हमारे लोग बढ़ते जाएंगे हमारी जमात के लिए अच्छा है, तो हमारे पास मैन पावर में भी इजाफा होगा और फंड्स भी बढ़ेंगे। तो वाइट कॉलर के लिए इंशाल्लाह जो भी बेहतरी होगी हम करेंगे, जिस भी तरीके से कर सकते हैं। बेसिक जो मसला चल रहा है वो रोज़गार का ही है। माशाल्लाह, अहमद भाई की एक ख़ास बात मैं बताऊं कि एजुकेशन के हवाले से जो इनकी खिदमत है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फैमिली की खिदमत है जैतपुर जमात के लिए, लेकिन अहमद भाई ने जो बेड़ा उठाया था कि वाइट फंड से हमारे नौजवानों को पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी मुल्क भी भेजा जाता है ताकि वो अपनी कौम की खिदमत करें, अपने मुल्क की खिदमत करें, तो ये तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। आखिर में अहमद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह दी मेमन टीवी भी आपका अपना और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आप अप्रिशिएट करते हैं और आज दुनिया भर में देखा जाता है। कल आबाद की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वन एंड ओनली दी मेमन टीवी को इन्वाइट किया गया था, तो हमारी टीम की काविशों को किस तरह देखते हैं? जी अली, थैंक यू मैं करूँगा, और आपका तो आज फ़र्ज भी बनता था और आप हमेशा फ़र्ज निभाते हैं। आप मेमन टीवी से पहले भी AGM में और एक पुराने वॉलंटियर और एक अच्छे सपोर्टर की तरह काम करते हैं जैतपुर जमात का, और मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जो कि सुबह आज माशाल्लाह 9-10 बजे से यहाँ पे मौजूद है और पूरी कवरेज कर रही है। तो अली, यही आपकी कामयाबी का राज है, जिस तरह आपने खुद बताया कि आबाद के अंदर वो एक मेमन तो नहीं है, जनरल तंजीम है, तो अब आपको एज ए नॉन मेमन भी आपको इनवाइट करते हैं, तो ये आपकी कामयाबी का सफ़र है और बेस्ट ऑफ लक मैं कहूँगा इंशाल्लाह। और जन करीब आपको इंशाल्लाह, हमेशा कहता हूँ, सैटेलाइट टीवी पे देखेंगे इंशाल्लाह, और आप काफ़ी नए सेगमेंट्स भी लेके आ रहे हैं, वो भी देख के खुशी होते हैं, आइडिया लेती हैं। थैंक यू, इंशाल्लाह आपको भी इन्वाइट करेंगे, क्योंकि आप भी हमारा फ़ख्र है, क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी के नौजवानों को एजुकेशन में स्पेशली वाइट फंड से हेल्प करते हैं और इसको इस काबिल बनाते हैं अपनी कौम की और मुल्क की खिदमत कर सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।